यूनिवर्सल डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के मुख्य केंद्रित क्षेत्रों में से एक है। अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का लक्ष्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाने के साथ साथ एक अग्रणी ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। हम डिजिटल इंडिया के माध्यम से आईटी के धरातल पर यूनिटी का मंत्र को साकार करना चाहते हैं। आज देश तरक्की कर रहा है। मेरा कहना है डिजिटल इंडिया गरीबों के लिए अधिक है ताकि वो विकास की नई संभावनाएं तलाश करें। सरकार ने फरवरी 2017 में प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान विशेषकर देश के ग्रामीण इलाकों में इस नई योजना की शुरुआत की है। पीएमजी दिशा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 6 करोड़ नागरिकों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना है। ये योजना 14 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों विशेषकर गैर स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं अंत्योदय परिवारों वयस्क साक्षरता मिशन के प्रतिभागियों महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों पर केंद्रित है। तेलंगाना में करीमनगर जिले के कोरुतला गांव में 58 वर्षीय बीड़ी मजदूर सत्तम्मा देवी ने टैबलेट चलाना और स्काइप पर बात करना सीख लिया है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में ग्रामीण उद्यमी कृष्ण कुमार शर्मा ने एक सांकेतिक भाषा के प्रशिक्षक के सहयोग से सुनने और बोलने में असमर्थ छात्रों को प्रशिक्षित किया। भारत ग्रामीण नागरिकों के सशक्तिकरण के एक ऐतिहासिक बदलाव की राह पर है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सक्रिय भागीदारी और बदलाव की प्रेरणादायक कहानियां विकास की राह पर बढ़ते हुए सशक्त भारत को प्रदर्शित करती हैं।